आपका स्वागत है। आप सब लोगों की इतनी बारी प्रेजेंस को देखते हुए हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट इस नजरिए से है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार माननीय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इस टाइम पे क्यादत है जम्मू कश्मीर में, पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स को हाशिए पे धकेला जा रहा है। जिस तरीके से हमारे मसले और मसाइल अवर इश्यूज हैव बीन लेफ्ट अनएड्रेस्ड सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स, वी हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे टू द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ऑल डेमोक्रेटिक मीन्स दैट अवर मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स, सिटिंग सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्सीएंस आर ऑल असिस्टेंट इंजीनियर्स टू द पोस्ट दे वेर इनिशियली अपॉइंटेड टू। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जम्मू कश्मीर ऐसा प्रांत है जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसमें कि आपको चीफ इंजीनियर भी आज भी असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में जिसमें वो अपॉइंट हुए थे वही सैलरी भी और उनकी जो है ऑफिशियल सब्सटेंटिव कैपेसिटी में वही वहीं पे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 2019 अक्टूबर में ये डिसीजन लिया था कि दो महीने के अंदर अंदर रेगुलराइजेशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियर्स विल बी कंप्लीटेड और उसको जो है अभी दो साल हो गए, दो साल तक के प्रपोजल बनता रहा। अब जब पेश हुआ एस्टेब्लिशमेंट कमिटी में तो उसको भी वहां से ऑब्जर्वेशन के साथ वापस भेजा गया। हमारे जो रिटायर्ड इंजीनियर्स 2001 से 2018 तक हैं, उन सबको अब फ्रेश विजिलेंस क्लियरेंस के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि जब भी कोई सब्सटैंटिव ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में कोई भी प्रमोशन की गई उस सब में विजिलेंस क्लियरेंस ली जाती है, आप सबको पता है। दूसरा अहम मुद्दा आज की डेट में जो हमारे जो सस्पेंडेड और अटैच्ड फील्ड ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स हैं उनको लेके सरकार ने हमें 15 दिन का टाइम जो है मांगा था। वर्क बाइकआउट का जो हमारा नोटिस था 29 जुलाई का, अभी एक महीना से ऊपर टाइम हो गया है और अभी तक उनकी जो है रीइंस्टेटमेंट नहीं हो रही। हमारे जूनियर इंजीनियर्स आज भी 30 रूपये जो है मंथली बेसिस पे जो उनको फिक्स ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है उसके लिए सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं लिया, उसकी एनहांसमेंट को लेकर सरकार इंडिफरेंट है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आज की डेट में हमारे जो डेली वेजेस हैं जिनकी रेगुलराइजेशन की डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी जो SRO 381 के तहत जो सारा प्रोसीजर होना था वो सब कंप्लीट होके